यहाँ से सभी प्लेयर्स जो है केवल देसी प्लेयर्स के द्वारा इस टीम को सुसज्जित किया गया है। और अपोनेंट टीम से अगर आप देखें तो यहाँ पर सीएससी फुटबॉल अकादमी की टीम से दो दो फॉरेनर प्लेयर्स के साथ इस मुकाबले को खेलते हैं। देसी ग्रुप से वहां पर तीन बाहर की टीम से वहां गार्डियन 16 नंबर के लिए खेलते हैं। और एक बार वहां पर गार्डियन टू तीन बाहर टीम के बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं गार्डियन। राइट विंगर में खेला क्रॉस निकल गया है वहां से, लेकिन थोड़ा सा 12 नंबर वहां पीछे रह गए हैं मंजी हंसा गोलकीपर मामा। यहां सीएससी फुटबॉल अकादमी टीम से शुरुआती समय पर प्लेयर्स के बीच में बहुत ही बेहतर कॉम्बिनेशन बनता है। अब वो वहां पर देखता है जर्सी नंबर 3 को खेलते हुए आसिफ के लिए, जैसे वहां पर गेंद को अपने सहयोगी को खेला और यहाँ पर देखना होगा। और एक बार मांझी हंसता ने गेंद को जीत लिया। गेंद पोजीशन आरिफ के लिए, ये देखिए 8 और 10 में दो फॉरेनर प्लेयर्स खेल रहे हैं सीएससी फुटबॉल एकादश वेस्ट बंगाल टीम से। यहाँ रेफरी ने हमको थोड़ा सा सजेस्ट किया कि आप ऐसा कूल माइंड में आप खेलें। और ये देखिए फुटबॉल का परिचय, एक अच्छे खिलाड़ी का परिचय, वहां एक दूसरे टीम के जो प्लेयर्स हैं वहां एक अच्छा परिचय पेश करते हुए और एक फ्री किक को जीत लेंगे यहां से आज ब्रेकिंग बाहर की टीम। आज के दिन में मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया है, उतना ज्यादा टेम्परेचर भी है नहीं। और यहाँ जिस तरह से यहाँ पर 6 नंबर को हम देख पा रहे हैं सुकुमार बडिलियम से, और यहाँ पर देखना होगा 9 नंबर नेपाल बुर्मू, नाम भी है इनका नेपाल। बहुत ही तेजी से ये कहीं ना कहीं आगे निकल जाते हैं नेपाल और कहीं ना कहीं गोल लगने में ये प्लेयर्स माहिर हैं, क्योंकि हाल फिलहाल कहीं ना कहीं मैच खेला गया था पाकुड़ क्षेत्र में दोसाईपुर ग्राउंड पर, इनका बहुत ही कमाल का गोल आया था। और यहां पर इस बार क्रॉस इस बार 7 नंबर के लिए वहां आरिफ के पास गया। एक समांतर दिशा में गेंद को खेल दिया है वहां पर प्लेसिंग क्षेत्र में, क्या मौका मिलेगा वहां पर ये देखिए फॉरेनर प्लेयर्स इतना बेहतर पासेस निकालते हैं, लेकिन इनके सहयोगी खिलाड़ी फंस जाएंगे ऑफसाइड में। और वहां पर प्लेयर्स के थोड़ा सा और उनको सजेस्ट कर रहे हैं, उनको अवगत कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने विसिल बजने के बाद बॉल पर वहां ट्राई किया। सामने वाले दर्शकों से रिक्वेस्ट रहेगा जो खड़े हैं आपसे रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग बैठ जाइए। और बना तीमा घाती नहीं थी अभी मोच वहाँ पर ही हाफ मार तो हो समय है तकरीबन 4 से 5 मिनट का वहाँ समय लगभग लगभग यू कर। मोती जीआर मुर्मू जो 6 नंबर में खेलते हैं बहुत ही एक्टिव और अनुभवी प्लेयर है मोती। एक लॉन्ग पास खेला वहां पर मांझी के लिए, मांझी ने वहां पर इस्तामुल को निकाला पास, इस्तामुल का क्रॉस सीधे पोस्ट की ओर और इस्तामुल को वहां नहीं खेलना चाहिए था गेंद डायरेक्ट पोस्ट पर। अगर आप वहां पर ढीला शॉट लेते हैं इस प्रकार का शॉट डायरेक्ट पोस्ट में नहीं लगाना चाहिए, उस प्रकार के बॉल को समांतर क्षेत्र में अगर पेनल्टी एरिया के लगभग में आप गेंद को खेलते हैं तो वहां से कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव बन सकता था।
दूर से ही क्रॉस निकाला गया, लेकिन वहां पर कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वहां पर अटैकर टीम के कोई प्लेयर मौजूद नहीं थे। गेंद को आराम से निकालेंगे डैनियल। तीन पहाड़ की टीम लाइन के करीब खेला लेकिन गेंद प्ले से बाहर हो जाएगी। आज दिन का नेक्स्ट मैच के लिए दोनों टीम्स आप ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कबीर मंच मैच चौथा मैच के लिए एफसी मंजलाड़ी वर्सेस राज प्लस टू पाटू। अगला मैच के लिए दोनों टीम्स के मैनेजर आप कमेटी मंच में रिपोर्टिंग कर लें, क्योंकि इस मैच के बाद आप दोनों के बीच में अगला मुकाबला होना है। तिहिया टूर्नामेंट नाम का चौथा मैच रहा हुई और अगला मैच उन्हें दक्षिण गातिया एफसी मंजलाड़ी वर्सेस राज प्लस टू पाकुर खिला रहे। अदो पना टीम रे मैनेजर अदर निखो गिवन अवगत चुकना नोकिना गाती मुचो दो सांस उगे थी कि आपन खिला रहे ना अगला गाती हो हीवा और आते अबे निखो के बना टीम रे मैनेजर नो कमिटी मंच रे रिपोर्टिंग बन और भाई बैठे अदर प्लेयर्स को निखो की ना अवगत बंद हो पा अगला मैच लगी। वहाँ थोड़ा सा गलत तरीके से गेंद को लेने का प्रयास, रोम प्लेइंग का संकेत आया और वहां पर फ्रीकी को जीत लिए सीएससी फुटबॉल एकादश वेस्ट बंगाल की टीम। यहाँ से एक प्लेन को जीत लेंगे अयोध्या तीन पहाड़ की टीम। एक बेहतरीन पास इस बार वहां पर किया नेपाल, गेंद को ले लेंगे। जी हाँ नेपाल बनो पहला गोल के लिए क्रॉस निकलेगा लेकिन गेंद चली जाएगी गोल लाइन से बाहर। कुछ समय ऐसा लग रहा था कि वहां से क्रॉस आ जाएगा नेपाल के द्वारा लेकिन वो खुद ट्राई किए पोस्ट पर और उतना ज्यादा प्रभाव नहीं दे पाए इस बार नेपाल बुर्मो। नेपाल ने गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाया और इसी बीच सीएससी फुटबॉल एकादश वेस्ट बंगाल की टीम सहयोगी को ढूंढ निकाला है। ये देखिए वहां पर अबू के लिए, अबू ने पास रहा क्या वहां से बोरिस गेंद तक पहुंच पाएंगे। पहुंचे जरूर थे लेकिन उससे पहले बहुत ही सुंदर क्लियर किया गया डिफेंस लाइन के द्वारा। गेंद दो लाइन से बाहर और वहां पर एक गोल किक को जीत लेंगे अयोध्या तीन पहाड़ की टीम। बना पिन से खोई पहली हाफ रन मा ये तो हम समय लगभग तकरीबन निर्धारित 9 मिनट गन मैच हुई करी बना से खोई होना सारा मैच ये कदम में खाई निंदु भी उका को लेले के नवा गाती है सीएससी का दो फुटबॉल एकादश वेस्ट बंगाल टीम का लाकुन नारंगी कलर ना जर्सी रे नुपी से खोई नी धबी उनका ना अटेंट ना आक्रमण हो रिया। आमिर खान अयोध्या तीन पहाड़ और एक खोई आमिर आरिंग से जो जी उन्हें गति आई क्या 16 नंबर और खोई दो गति करना 16 नंबर नोडे श्रीनाथ मरंगी पहला शॉट ऑन टारगेट और ये देखिए सबसे बड़ी वहां पर गलती नजर आई गोलकीपर का। वहां गोलकीपर आराम से गेंद को पकड़ सकते थे लेकिन उसके ग्लव से जैसे ही गेंद छिटक गई उसका भरपूर फायदा हो वहां पर ले लिया 10 नंबर बोरिस ने और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण गोल और तकरीबन ये 10 मिनट के करीब ये पहला गोल आया है। आज प्रत्येक मैच में गोल देखने को मिल रही है तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल में यहाँ पर इस ग्राउंड पर मैच हो रहा है। नंदे गोलकीपर अपना गान गलती कहीं ना कहीं टीम लगे भी महंगा साबित ना अंतर गोलकीपर फर्स्ट जो ना बोले सबराव लिखा है नुमकना ऑप्शन बतो जाम किया नोडे सीएससी फुटबॉल एकादश वेस्ट बंगाल टीम। ये गलती महंगा पड़ गई अयोध्या तीन पहाड़ के लिए लेकिन अच्छा खेल गए तीन पहाड़ की टीम। और जो फॉरेनर प्लेयर्स हैं वहां पर जो देख पा रहे थे 10 नंबर उन्होंने उसका भर
फायदा लिया। जैसे ही कीपर के ग्लव से गेंद छूट गई उसका भरपूर फायदा था, तो गेंद को गोल में कन्वर्ट कर दिया। एक शून्य का मजबूती मिलता हुआ स्पष्ट आपके मैच में अभी तक सीएसके फुटबॉल एकादश वेस्ट बंगाल टीम को। अच्छा प्रयास वहां पर, गेंद को प्ले नहीं रोक लिया वहां सात नंबर आरिफ ने, सीधे पीछे खेल लिए। क्लियरसन के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी बनती थी। मोती वहां पर गेंद को छोड़ दिया वहां पर दानियल के लिए, लेकिन दानियल वहां से पास नहीं निकल पाए। इस बार हप्पू आठ नंबर, जी हाँ वहां पर एक प्लेयर को बीट कर लिए हैं। ये देखिए इसको ओपन मौका, और उतना ज्यादा गति देने की तो जरूरत ही नहीं थी। जिस प्रकार से क्रॉस आया था तुषारदा उसमें तो केवल प्लेयर्स ले रहे थे, आराम से गेंद गोल हो जाती, क्योंकि इतना अच्छा असिस्ट किया था वहां पर अबू ने यहाँ बोरिस के लिए। केवल उनको केवल स्पेस जिस प्रकार से मिला था, केवल उनको प्लेस कर देते, केवल दिशा देते तो आराम से गोल होता। लेकिन वहां पर थोड़ा सा ज्यादा पावर लगाए गेंद पर और गेंद 6 यार्ड बॉक्स के करीब से गेंद पोस्ट के ऊपर निकल गई। अगर यहाँ पर गेंद को सही तरीके से फिनिशिंग करते तो यहाँ पर बहुत ही जल्द ये दूसरा गोल भी हमें देखने को मिलता। तो फर्स्ट हाफ का मैच बहुत ही रोमांचकारी मैच अभी तक देखने को मिल रहा है, और थोड़ा सा यहाँ पर गोल के बाद मैं देख पा रहा हूँ अयोध्या तीन पहाड़ के ऊपर प्रेशर बनता हुआ। लेकिन अभी भी काफी वक्त है तुषारदा, यहाँ से तीन पहाड़ की टीम अगर थोड़ा सा भी मैच में इंप्रूवमेंट लाते हैं तो हो सकता है इस मैच को पिछले मैच की तरह ये वापसी कर लेंगे। बड़ी संघर्षपूर्ण मुकाबला चला कर जेड का नुकिन बनार फॉर्मर खिलाड़ी, बनार नुकिन विदेशी खिलाड़ी नडेंगल दा अयोध्या तीन पहाड़ रन डिफेंस लाइन जत्तो पूरा डीजी किन दहो का कुआ और डिफेंस लाइन नवा ये तैयारी जस्ती नडे दबाव रह बिना कुआ चुबाजे जब की नुकिन बॉल की यादा कुन था आक्रमण लगे अड़ी स्टिक चलहा सकिन बहा पड़ा। पिछला मौका होता था है कहना अबू का दे बनाऊंगा बोलिस लगी स्टेज के ठीक सामने में, जबकि आप लोगों को बार बार बोला जा रहा है कि आप लोग बैठ जाइए, कमिटी के जो लड़के लोग आप लोगों को बैठा रहे हैं आप लोग बैठ जाइए, नहीं तो एक तो आप लोग वहां से हट जाइए। जिसको अगर बैठने में अगर दिक्कत है तो आप स्टेज के आगे आप खड़े रह रहे हैं, अगर अगर आपको वहां बैठने में तकलीफ है तो आप उत्तरी छोर पर चले जाइए। स्टेज के सामने वाले लोग एकदम बैठ जाइए सभी। जहां अगर दिक्कत बना था दिल्ली लगी तो एक आपका साइड है तो बोलते मैन खा नालों पर तुम भी बढ़ा स्टेज भी आपका मैन उन्हें छाता तो भी कितना बिना पिया एक तो दुड़ पे आपका साइड होता है मैन स्टेज भी आपका मान नमक से उन्हें पे चबाए रहा है तो उन्हें पे आप ऐसे दिए के लिए नहीं रोकना अब उन पे ना को सेट में टूर्नामेंट ट्रेन जो अलो झारखंड के लिए टिकट तो बिना कटा बोल अब उन मार्गदर्शक उनको कुदुरु पड़ा होकर नियत लगा रही है कॉर्नर की क्रिया चांस नियत था तीन पहाड़ टीम एक गोल पे है कि तायों के ना हार दमा फर्स्ट हाफ में कॉर्नर किक लगी मोतीलाल जूनियर पोस्ट एरिया रे नीत हो खतरा बांध के बाव कर जरूर बॉल आपका छत्र का कुरेटन का एक बहुत ही दमदार मैच चला चली फिर से हवाई आक्रमण लेकिन गोलकीपर के पास समय था कि बॉल को क्लियर करे आगे बढ़कर। नवान अखारन नवान अखारन का बॉक्स लहार पे तुम भी बढ़ाओ था नहीं तो दुरुप पे आर मुखाई से उकर नोड़े उकर वाटर टैंकर में ना आपे अंतर तहीं पे अंतर रहती गुपर Thank you.
इस मैदान का खासियत है कि यहाँ पर दर्शक एक तरह से इतने संख्या में आते हैं, मुझे लगता है आज तो प्रथम दिन है, कल और परसों इस टूर्नामेंट के फाइनल दिन तक यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो भीड़ भड़ाका है वो रिकॉर्ड तोड़ देता है और इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि इस मैदान में दर्शकों का प्यार बहुत ज्यादा मिलता है हमेशा से ही। हमारे संयोजक महोदय नरेश जी बताते हैं कि प्रत्येक साल इस मैदान में जिस तरह से लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, निश्चित करी इस साल भी दर्शकों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा। गोलकीपर मामा बेहतरीन क्रॉस, मौका जरूर बना दड़े के इस्तांबुल के लिए बॉल को सरका दिया था, बॉल जरूर क्लियर किया हाफ से, टीम के कैप्टन भी बॉल के उछाल को समझ नहीं पाए और अब्दुल का पास वहां पर बोरिस के लिए, लेकिन बॉल एक वापिस से टीम के कैप्टन, यह स्टाइल तो काफी कमाल का है। फिर से बॉल को लेकर बढ़ते हुए मोतीलाल मांझी हंसदा, बेहतर पास, क्या गोल होगा, लेकिन जी नहीं, किसी तरह से बच गया वहां, फिर से खतरा टाला नहीं है, फिर से आक्रमण के लिए अयोध्या तीन पहाड़ की टीम लगातार दबाव बना, तो मौका हुई दरे शॉट लगी, शॉट पर लगाते की, जी हाँ इस मैच में भी दोनों तरफ से एक एक गोल हो गया है और कोई खिलाड़ी गोल की दब और ये गोल दागे हैं इस्तांबुल अंसारी निद्दो बना टीम एक एक गोल कतई बना की निद्दो की सुबान सुबान अवस्था की है इनाम वहां पर ही हाफ दी इस्तांबुल छह नंबर जो सीहरों का खिलाड़ी बेहतर तरीके से बॉल लहासा प्लेस मिला मेंठा घोड़े संतोष पुरी लंबा बॉल डिलीवरी मेंठान बॉल रुकावरिया चेक कर रहे बॉल डिफ्लेक्ट चुका आसिफ आसिफ का पास फिर से अब्बू लगी अब्बू पास बेहतर जगह है डेंजर एरिया रहे बॉल प्लेसमेंट बहुत ही सुंदर क्या गोल होगा लेकिन खतरा टल गया फिर से लेकिन अच्छा दबाव बनाए गए फिर से खतरा बन कर लाओ मित्रों तीन पहाड़ टीम थोड़ा गन परेशानी रहे मैन खान खतरा टलाओ ना जहां का तरीन मौका रहे सीएससी फुटबॉल एकादश बंगाल की मार विधा आक्रमण लगे मैन खान सीधे गोल की पट है संतोष तुरिया प्लस पास नोड़े इस्तांबुल नीचे गोल का आया टीम लगे रिटर्न किया और उन्हें तो उन्हें जोश बढ़ाओ कर दिया फिर से आसिफ के लिए मिडिल से अच्छा बॉल बनाते हैं फिर से ये अब्बू मीटे खिलाड़ी ना बेहतरीन होंगे मजा कटाव के लिए मीटे खिलाड़ी हालांकि बॉल ड्रिबल रहे थोड़ा कम समय आधा लगा हुआ फुटबॉल एकादश बंगाल टीम बेहतर प्लेसमेंट नीला बोनोड़े फॉर्मर खिलाड़ी बॉल रुका था सुबह निथो ग्राउंड अंदर रही ओखट है क्रॉस आउट बेहतर जगह है बेनखान जी हल्का थे डेंजर प्लेस को बॉल को डुक कर
दर्शकों से भी अनुरोध होगा आप खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते रहिए, आप खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाइए, खिलाड़ी अच्छा खेलेंगे, आपको भी मजा आएगा, खेलने वाले खिलाड़ी को भी मजा आएगा। सही पोजीशन रहेगा भाई, 6 नंबर हो ऑडी मोजे गति एकदम सुकुमार जी तो बने प्लेयर और आसिफ नोकिन मिडिल खो एडी मोज बॉल किन हटिन दा और बॉल नोकना जगर किन होय दा ओका जगर दो विपक्षी खिलाड़ी अडी ढ किन है से क्वा इसके बाद आखिर खिलाड़ी लगे गैप रे पास किन दुख दा और उनारे फिर 12 नंबर जर्सी हरो का खिलाड़ी उनी हो ऑडी मोजे गति ना रवि सरकार। फिर से देखे एक खिलाड़ी को टेक्निकली रूप से बहुत सुंदर ढंग से छका लिया और अच्छा क्रॉस किया था वहां पेनल्टी आर्क में, लेकिन खतरे से फिलहाल बॉल निकाल दिया गया है। सुकुमारा पास मिडिल में चेली, केली का पास वहां पर अबू केले, दो तीन खिलाड़ियों ने बहुत ही सुंदर तरीके से ड्रिबल किया है और अबू का शॉट डायरेक्ट, लेकिन सेकंड पोस्ट में टारगेट किया था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ डेंजर प्लेस से बॉल बाहर निकल गई। लगभग इस मुकाबले में सेकंड हाफ में समय इस समय थोड़ा सा बची हुई है और इससे बची हुई समय में क्या मैच का नतीजा नहीं। सुकुमार आरिफ अली भी बॉल के साथ अंतिम समय में यह मुकाबला जाता हुआ और देखना है इस मैच का ये फर्स्ट हाफ में क्या रिजल्ट दोनों टीम रखते हैं। लगभग नवा समय हुआ पूर्व या आस पास रहे बिना और नवा पहल हाफ या समय रहे छह रिजल्ट बना टीम थे है ना, एक एक गोल पहल हाफ में हुई चुके ऊपर मौका जरूर बना दर या कने मनखन डेंजर प्लेस का बॉल बाहर है आदिया साहब से गेंदवा मैच रिया मैचू आज यहां और गुस्ती बना दो मैच हो इन नंबर कॉल बड़ी उसरा रीस्टार्ट नंबर काउंट को थोड़ा गाना गलत तरीके से भी जरा बना प्रयास और उन्होंने कोई ढा बीच फ्री फ्री कर कुर्सी दिया कुर्सी लो करता वो पार्टी मैच उन्होंने कोई क्लियरेंस है लेन गया मैंने देखो अच्छा वापसी उन्होंने फुटबॉल का दस वेस्ट बंगाल टीम से कोई चला तलांग चल में मोती जे यार उन्हें सिरनाथ लगी लाजवाइन ये क्रम में नहा आर्मी था बोल पोजीशन का जलोक का सिधर उन्हें कोई स्थान नहीं आ रही थी इस तरह हाँ और कोई तो रिटर्निंग गोल रे महत्वपूर्ण योगदान रहे करते हैं तो इस्ता बोला उन्होंने कम मैच में कब्रिज ना अच्छी लगती है बैंड बैंड हाउ डेफ अच्छा वापसी तुम्हें उनके लिए तो जैसे स्टार्टिंग लड़े फुटबॉल एक आदर वेस्ट बंगाल टीम एक समांतर दिशा में वहां अपने सहयोगी को खेलते हुए इस्तामुल क्या गेंद को प्ले में रोक पाएंगे, लेकिन उससे पहले वहां डिफेंस जोन ने बहुत ही अच्छा गेंद को क्लियर किया, लाइन के करीब गेंद को खेल दिया है वहां पर सीएससी फुटबॉल एकादश वेस्ट बंगाल की टीम ने, लेकिन वहां पर मोती जे आर मुर्मू ने बहुत ही अच्छा क्लियर किया टीम के कैप्टन आमिर, लेकिन वहां कोई प्लेयर्स नहीं, गेंद जाएगी फ्री फ्री गोल लाइन से बाहर और वहां से गोल किक को जीत लेंगे
वेस्ट बंगाल की टीम विलंब से आए हुए दर्शक दीर्घाओं को बता दूं आज दिन का टूर्नामेंट का जो उद्घाटन मैच ओपनिंग मैच जो खेला गया था यूथ ब्रदर्स तलवा चौक वर्सेस एफसी हेमराम स्टोन के बीच में इस मुकाबले को एफसी हेमराम स्टोन की टीम ने एक महत्वपूर्ण गोल के साथ मुकाबले को जीत करके क्वार्टर फाइनल में खेलने के लिए अपना जगह को सुनिश्चित कर लिया है। आज दिन का जो सेकेंड मैच हम सबों ने देखा जिसमें फ्रेंड्स स्टार लखनऊ बारा वर्सेस एसएमएस मिडिल स्कूल पाकुड़िया के बीच में खेला गया। इस मैच में दोनों टीम्स ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया और दोनों टीम्स ने एक एक गोल के साथ मुकाबले को बराबरी किया था, लेकिन पेनल्टीज के माध्यम से एसएमएस मिडिल स्कूल पाकुड़िया की टीम मुकाबले को जीत करके आज क्वार्टर फाइनल में खेलने के लिए अपना जगह सुनिश्चित की हुई है। और आज दिन का ये थर्ड मैच सेकेंड हाफ का अभी तक चलाइमन पर अयोध्या तीन पहाड़ और सीएससी फुटबॉल एकादश वेस्ट बंगाल के बीच में इस मैच में भी दोनों तरफ से गोल हुआ है, एक एक गोल और दोनों टीम्स का स्कोर लेवल अभी तक बराबरी पर रहा। वहां कोई प्लेस नहीं, आराम से गोलकीपर गेंद को बाहर स्टेप आउट करेंगे। और इसी बीच और एक बार वहां पर मांझी हंसदा 12 नंबर आगे बढ़ने का प्रयास, लेकिन उसको रोकने में सक्षम होते हुए वहां पर बोरिस जो जर्सी नंबर 10 में खेल रहे हैं। अब धीरे धीरे दूसरे हाफ में जिस प्रकार से दोनों टीम्स का खेल शुरुआत हुआ है एक अच्छे लय के साथ, लेकिन उतना ही अच्छा क्लियरेंस वहां हेडिंग के माध्यम से डिफेंस लाइन के द्वारा। जैसे ही इनको प्लेस मिल जाती है गेंद इतना बेहतर वो असिस्ट करते हैं या गेंद इतना बेहतर सप्लाई करते हैं अपने सहयोगी के लिए कि ओपोनेंट टीम के लिए वो महंगा अभी तक सिद्ध हुआ है जितना भी बॉल इन्होंने असिस्ट किया है। लेकिन दूसरे हाफ में जिस प्रकार से इन्होंने फिनिशिंग किया यहाँ पर बहुत ही बेहतर फिनिशिंग, और इसी के साथ यहाँ पर शुरुआती समय पर ही दूसरे हाफ में 2-1 के स्कोर के साथ पुनः यहाँ पर सीएससी फुटबॉल एकादश वेस्ट बंगाल की टीम। तो वक्त अभी भी है, तो यहाँ से वापसी कब तक आएंगे अयोध्या तीन पहाड़ की टीम। मीठे गोल विदेशी मूल रन खिलाड़ी नुकिन बनार विदेशी खिलाड़ी अमूमानी मजा ना
नुकिन बनार के सारजम बडार हक मेजे बिहार नितुम भले के चेंज ही वा नाडा नाडा टूर्नामेंट रे अलग नितुम ऑल छे अलग कथा करा मनकन बनार टीम रे खिलाड़ी बनार के नुकिन प्लेयर के लिए है और नुका की मेहनत पलक रखे पप्पू हो या फिर बोरिस हार्डी लेटल को मैच रे गति गला खिलाड़ी के आरोड़ा है कि पूरे डिमांड के साथ नुकिन खिलाड़ी नोड़े है और टीम के जुड़ा होता है मीठे चांस जरूर बना पड़ा नोड़े सीएलसी फुटबॉल एकादश बंगाल की फिर से अब्बू लगेगी चांस बना दड़िया के ना डेंजर प्लेस रहे जरूर बॉल ऐसा काम दा मैनखान खिलाड़िया सही सपोर्ट बाग नहीं तला रहे मीठे मौका बना दड़िया आखिर वक्त रे बॉल क्लियर आके हाफ पर नाना फिर से बोरिस दूर से ट्राई किया जरूर लेकिन सही दिशा सही प्लेसमेंट नहीं नुमा मैच रिया रिजलपुर नल खा ऑरेंज कलर रिया जर्सी हरा का टीम तो बढ़िया को गोल करा और कोई सादा रंग रिया जर्सी जाए नुकु दबी के गोल का नवाल का थे तीन पहाड़ टीम नुमा मैच रहे लहारिया सफर रहे जारी तहन लगी आर्मी के गोल रेटर ही तक हुआ समय नुमा मैच रहे हॉडी काठी गिना गया पैदर वहां पर देखिल खेला था दोनों विदेशी मूल के खिलाड़ी के बीच अंडरस्टैंडिंग काफी कमाल का है और उसी वजह से फॉरवर्ड लाइन काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है दोनों टीम के पास अब भी इसी मुकाबले में अपने गोल स्कोर को बढ़ाने का समय है गोलकीपर मामा के पास अच्छा मौका है कि वो अच्छे गोल के लेकिन थोड़ा सा रिस्क वाला बॉल वहां पर मार बैठे थे खतरा हो सकता था इस बार नौ नंबर जर्सी हरों का खिलाड़ी अभी बहुत मौका ही जान गया उसका तो नेपाल दुबई जाते थे आज के खेला देखो कल के खेला देखो नेपाल उड़ीसा टोक्यो पहाड़ टीम लगी और हेडर जरूर लगा लेकिन क्रॉस बार के ऊपर से पानी 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 मीठे खिलाड़ी नसी आलता बजाओ करो पानी 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 बॉल रिया कंडीशन के साथ बॉल पोजीशन के साथ जीते ऊपर मंडे सीएससी फुटबॉल एक दस बंगाल फिर से बोरिस अब्बू जब भी बॉल पड़ा करता है और स्पीड से बॉल बॉल करता है जहां तक खेल बाकी रुका गया है कितना अन्य खेल में फिर से ज्यादा पावरफुल शॉट लगा बैठे अगर सही दिशा में बॉल होता तो अभी तक में तीसरा गोल हो चुका होता तीसरा गोल लगी थोड़ा का नदी रंगा में छाई शॉट का और मैं थे नीरो एंगल को तो बांग गिलो है जिसकी अगर सही पोजीशन रहे अगर बॉल अगर बांग पोजीशन है संभाल और जब तक लहर आया हरमो भाई पोजीशन लगा इसलिए खेल के बीच में स्कोरर एरिया में विशेषकर स्कोरर को बॉडी पोजीशनिंग बहुत मायने रखता है कि आप अपना बॉडी किस तरफ से लगा रहे हैं और किस तरफ से आपका शॉट स्ट्राइक जाता है फिर से मौका भी गड़िया नोडे छह नंबर जर्सी हरों का सुकुमार बेहतर एरिया रहा नोडे क्रॉस मैं जब तक खिलाड़ी अंदर को खाए गए और मैं इतने नोडे बोले पड़ाव का डेनियल हाफ रन मजबूत खिलाड़ी पूरा नोडे बोले मार दिया चार्लिस फिर से चार्लिस ने बॉल को जीत लिया काफी नजदीक एरिया में लेकिन काफी ओवर हिट कर बैठे और गोल कीपर लगे बहुत तेजी से बंद हुई मैच दाजे ओका जगह रिप्लेसमेंट का बना हुआ था उन्होंने कहा कि
गोलकीपर है रूप कंधा रेन दर्शक को दिक्कत है घुड़ाओ ना थे लेंगा ना कारण दर्शक ने बार बार में बताया था ना अगर लहर पे चला था तो दूर कर दिया नहीं तो पे तुम्हें को ना आपने तायम रह गई यार हम जमाने में यहाँ भी हुआ जमाने में और सुविधा अलग कोई तो आप लोग थोड़ा बैठ जाइए एक तो बार बार में बताया था ना आपने उसका मोटरसाइकिल के लोगों के ना पता रहता और क्या यहाँ गोल होगा तीसरा गोल हो विष्णा बड़ी शानदार मैच मेनखान सुशील नवा मैच रिया होता कंडीशन तो बुझे करा लगभग लगभग नवा मैच रहे सीएससी फुटबॉल का बड़ी हद तक पकड़ को बनाओ का और अयोध्या तीन पहाड़ टीम नवा सारा करा समय में एक दो मिनट है रेडी हो इनको दो बड़े जोर में आता है बहुत ही मजबूत और कंटेस्ट वाला ये मैच होगा एफसी बंजलाडी और राज प्लस टू पार्टी के बीच में नियम मैच बाद वहां बीते कटी मिशा ब्रेक का है ना दोस्ती जो बात मात्र 10-15 मिनट का ब्रेक रहा था है ना आडिया ब्रेक बात करके कहीं ना होगा चौथा मैच रहा हुआ एफसी बंजलाडी वर्सेस राज प्लस टू पार्टी चला रहा तो निश्चित रूप से आज इस कदम के मंच में पुनः जुड़ चुके हैं स्पेशल बंगला के लिए हमारे इस कदम के मंच में ओसिल हंड्रम जी उनका भी ये मिलनसन चौकीसाल जरिया पाकुड़ी अपने गुरु का स्वागत करती है और बीच बीच में आप सबों को जो है बंगला में भी कहीं ना कहीं यहाँ का अपडेट आपको सुनने को मिलेगा और मैं चाहूंगा कि इस अंतिम समय में इस मैच का अपडेट बताने के लिए ओसिल हंड्रम जी आपका स्वागत है माइक्रोफोन पर Yes. Call. अपन भाई दीदी ड्राम कर एक मिनट समय हां दीदी ड्राम टाइम लग सकता है एयरटेल दे रहा है दीदी इनको इस मैच में एक मिनट इंजरी टाइम शेष रह गया है अभी एक मिनट जोड़ा गया है एक मिनट के अंदर एक महत्वपूर्ण गोल के साथ क्या यहां पर अयोध्या तीन बाहर की टीम मैच में वापसी आ पाएंगे बॉल बॉयस बॉल दे दीजिए जल्दी और जैसे कि धार नवा मैच मुझे दुआ नवा मैच मुझे दो सात मिनट के बीच एक कटी मिचा ब्रेक दहे ना लगभग 10-15 मिनट का ब्रेक टाइम दहे ना वहां तुरंत बात खाएगी कि ही यार दुआ टूना बनना का अगला मैच रहा बोल गया चौथा मैच एफसी बंजलाडी वर्सेस राज प्लस टू पाकुड़ तलारो ये फंस जाएंगे प्लेयर्स ऑफसाइड के ट्रिक में अरे खास आ रहा भाई शॉट है वहां पर इनडायरेक्ट फ्री किक के माध्यम से गेंद को क्लियर किया गया लेकिन ये हो जाएगी मैच समाप्ति का फुल टाइम विशिंग बज जाएगा और इस मुकाबले को सीएससी फुटबॉल अकादमी
अपना जगह चॉइस सुनिश्चित कर लिया है।